अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम जो है बेसिकली डेमो कॉल्स करेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे खुद डेमो कॉल्स करके बताऊँगा, और उसके बाद आपको ऑडियो की सूरत में ग्रुप्स में जो है वो डेमो कॉल्स सेंड किया जाएगा, और आप लोगों ने फिर उसका मुझे आंसर करना होगा कि कौन सी कॉल कौन से ऑप्शंस में जाती है। यहाँ पे कुछ कॉल्स की जो है वो मैं लाइव फर्स्ट टेक में जो है वो कॉल सबमिट करके जो कॉल जिस ऑप्शन में जाती है उसको जस्टिफाई करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। Hello. Hey, Matthew, Evelyn, Charlie. Hey, can I call you right back? Can you call me in 5 minutes? I gotta take this call. Yeah, I can certainly do that. Call me back in 5 minutes. Thank you. Not this Friday. Hello? अच्छा, इस कॉल में जो हमने सुना, कस्टमर कॉल करता है, एजेंट से उसकी बात होती है, कस्टमर्स को कहता है कि मैं आपको कुछ देर में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। अब हम इस कॉल में हमने क्या देखा, ना इसमें गाड़ियों के हवाले से कोई डिस्कशन हुई, ना गाड़ियों के लेने के हवाले से, ना गाड़ियों के देने के हवाले से, ना ट्रेड के हवाले से, ना टेस्ट ड्राइव के हवाले से। तो पहला ऑप्शन तो इसमें नहीं आता, पहला ऑप्शन का तो नामो निशान इसमें नहीं नज़र आता, ठीक है। अब जो है ये, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, हम जनरल कन्वर्जेशन इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये एक जनरल कन्वर्जेशन है, ये फॉलो अप है, कोई न्यू कन्वर्जेशन Hey, नहीं है, Matthew Jeffrey. मतलब ये एक प्रीवियस कन्वर्जेशन हो सकती है, और ये पहला ऑप्शन कभी भी इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। ना इसमें कोई एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट की बात की गई है, ठीक है, और ना इसमें कोई न्यू अपॉइंटमेंट गाड़ियों के हवाले से कोई बात की गई है। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन जनरल डिस्कशन जाएगा ये, ठीक है। ये इसको हम जनरल डिस्कशन कंसीडर करके यहाँ पे सबमिट इसको हम करेंगे। Hello. Hello, hi, Matthew. I'm here. Who's calling? Hey, this is Eloy, the manager calling with Joe Myers Ford. How are we doing today? Hey, how can I help you? Just following up out here. I saw you recently inquired on one of our vehicles in 2011 June. अच्छा देखें, यहाँ पे आप इस वीडियो को बार बार पीछे करके ये सुनिएगा कि इसने ये क्या बात की है, मैं दोबारा सुना देता हूँ। Hey, how can I help you? Just following up out here. I saw you recently inquired on one of our vehicles in 2011 GMC Sierra. एजेंट ने कस्टमर को कॉल किया, उसको कहा है कि आई वाज लुकिंग दैट यू वर इंक्वायरिंग अबाउट 2018 जीएमसी सियरा, यानी गाड़ी का उसने नाम लिया, कहा है कि आप इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे थे। तो हमें किसी और ऑप्शन की तरफ देखने की ज़रूरत ही यहाँ पे नहीं है, हमें पता लग गया है ये सेल्स की कॉल है, प्रीवियस सेल्स नहीं है। प्रीवियस सेल्स होती है वो बाद से ही, कन्वर्जेशन से ही पता लग जाता। ये जो है वो कंफर्म फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखें इसमें एजेंट ने कस्टमर को कॉल करके उससे ये पूछा है कि आप इस गाड़ी के हवाले से इंक्वायरी कर रहे थे, तो ये स्ट्रेट फर्स्ट ऑप्शन जाता है, क्योंकि इसमें गाड़ियों के हवाले से जो है वो डिस्कशन हो रही है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। Hello. Hello, hi, Matthew. How are you? Who's calling? Hey, this is Eloy, the manager calling with Joe Myers Ford. Hello. Hello, hi, Matthew. How are you? Hello. Sandra, how can I help you? Hi, do you have any of the limited hybrid Tucsons? This is Kirsten Brand, your old watcher. Subaru? Yeah. Yes, sir. I was on the market for an Subaru Forester. देखें यहाँ पे जैसे ही कॉल स्टार्ट हुई, एजेंट ने उसे पूछा कि ही वॉज कॉलिंग टू आस्क इफ ही इज़ इन द मार्केट फॉर द न्यू सुब्रू फॉरेस्टर। सुब्रू फॉरेस्टर जो है वो गाड़ी का नाम है। तो देखें कॉल के इतने से हिस्से में हमें ऑप्शन पता लग गया कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, ठीक है। सेकंड सेकंड में इसमें कॉल सबमिट होती हैं, तो आपने बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक कॉल थी। देखें यहीं से हमें ये पूरी कन्वर्सेशन सुनने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो बस यही चीजें हमने ढूंढनी होती है इसमें। अब दूसरे कॉल की तरफ चलते हैं। Hello, hey, this is Eric with the Mac Test. How you doing? I'm good, Eric. How are you? I'm doing good. I just want to give you an update on your car. Okay. It's scheduled to be built today. Oh, it's scheduled to be built? That's it? Yeah, that's the update I have. Yeah. Okay. So,
So how long does it take? We should have it here before the end of the month. So hopefully, hopefully. देखें ये एजेंट ने यहाँ पे कस्टमर को कॉल किया और गाड़ी के हवाले से ये इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जाता है. Sure. Yeah. So. Sorry for the delay. I was tied up with customers all day, which is a good problem to have, but. Sure. Yeah. So the 4Runner comes standard with. Oh, yeah, good. Yeah, they come standard. So I don't think I've ever seen a 4Runner without one. Maybe in the old days, but all the new ones have the hitch built in. इस कॉल में भी जो है वो एक गाड़ी के हवाले से डिस्कशन हो रही है, ये भी फर्स्ट ऑप्शन जाता है इसमें. Hey Justin, this is Jacob with Greg Mahon Day here in Waco, Texas. If you could please give me a call back at the number 254-420. Please play your message. Press 1. To continue recording, press 2. Please leave your message for... Justin, got it. Hey Justin, अच्छा देखिए इस कॉल में जो है वो जो ये कॉल है ये वॉइस मेल पे चला गया. जब भी कोई कॉल वॉइस मेल पे चली जाए ना, जहाँ पे वो कंप्यूटर बोलना स्टार्ट कर दे, आपको लगे कि कॉल वॉइस मेल पे चली गई है, तो वॉइस मेल में जब भी जाए तो इसका कौन सा ऑप्शन है? लास्ट ऑप्शन हम इसको कंसिडर करते हैं. देखें, करेक्शन, कॉल वॉज नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी, सेलेक्ट द ऑप्शन इफ द कॉल गोज टू वॉइस मेल. तो इसको हम लास्ट ऑप्शन ही कंसीडर करते हैं जब भी कॉल वॉइस मेल में जाए. हेलो, हाय, दिस इज जिमी. हे जिमी, डैनी हेंजेस, आर यू बॉक इन टेलीफोन? यस. आई जस्ट कॉल टू चेक ऑन यू, मेक श्योर द कार इज स्टिल वर्किंग आउट फॉर यू. अच्छा, दिस डैनी हेंजेस, आर यू बॉक? यस. यहां पे आपने इसको पहले पॉज करना है वीडियो को, और आपने सोचना है कि ये कौन सा ऑप्शन जाएगा. आपने इस कॉल को एक दफा सुनना है. देखें, is it Mr. Jimmy? Speaking. Hey, Jim, it's Darren and Hedges. Are you barking on telephone? Yes. Yeah, I'm just calling to check on you, make sure the car is still working out for you. अच्छा, यहाँ पे एजेंट ने कस्टमर को कॉल करके उसकी गाड़ी के हवाले से पूछा है कि आपकी गाड़ी कैसे चल रही है, ठीक चल रही है. तो इससे क्या हमें पता लगा है? देखें, इससे हमें ये पता लगा है कि गाड़ी की नई इंक्वायरी कोई नहीं हो रही. एजेंट ने कस्टमर को कॉल किया, फॉलो अप किया है, प्रीवियस परचेज जो उसने ऑलरेडी परचेज की हुई थी उसके हवाले से बात हो रही है. अब एजेंट उसको कहेगा कि आपने ये जो गाड़ी कुछ महीने पहले ली थी वो सही जा रही है? वो कहेगा हाँ सही जा रही है. वो उसको ऑप्शन देगा कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं नई गाड़ी के साथ, हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं. ठीक है, तो इस तरह की सारी कॉल जो है वो सेकंड ऑप्शन में जाती हैं. इसको मैं दोबारा सुनवा देता हूँ आपको. Hi, is it Mr. Jimmy? Speaking. Hey, Jimmy, it's Darren and Hedges. Are you barking on telephone? Yes. Yeah, I was calling to check on you, make sure the car is still working out for you. I done sold it. I got two more. Okay. Sorry to hear that. That's great news for you. देखें, ये सेकंड ऑप्शन जाता है क्योंकि एजेंट ने फॉलो अप किया है प्रीवियस परचेज. Hi, this is Jose from Chesapeake Ford. Can you hear me? Hello? Yeah, I can help you. Hi. Hey, Jose from Chesapeake Ford. I'm trying to reach John. How's it going? Hey, John, just wanted to... Hold on one second. Sure. Hi, John. Go ahead. Hold on one second. Yes. Available. Sir, let me direct your voice message in the office. Hi, this is John, and I'm not in at the moment. Please leave your name and number, and I'll get back with you. Thank you, and have a nice day. अच्छा, इस कॉल में क्या हुआ है? इस कॉल में एक बंदे से बात करनी है. जॉन से ये बात करना चाहता है, कस्टमर या एजेंट जो भी है. तो एजेंट उसको कहता है कि वो बंदा अवेलेबल नहीं है, मैं आपको उसके वॉइस मेल पे ट्रांसफर कर देता हूँ. अब जब उसने वॉइस मेल पे हमें ऑप्शन पता है कौन सा ऑप्शन जाता है जब वॉइस मेल पे ट्रांसफर किया जाए, ये लास्ट ऑप्शन. ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये उसको वॉइस मेल पे ट्रांसफर ना करता, फिर क्या ऑप्शन जाना था इसमें? देखें, जब भी एक बंदा किसी बंदे से बात करना चाहता हो और उस बंदे से कनेक्ट ना हो पाए, अगर ये बंदा उसको कहता है कि जॉन अवेलेबल नहीं है, बेशक उसको वॉइस मेल पर ट्रांसफ़र ना करता, सिर्फ उसको ये कहता है कि जॉन अवेलेबल नहीं है, मैं उसको कहूँगा आपको कॉल बैक कर देगा वो. ठीक है, उस सूरत में भी हम इसको लास्ट ऑप्शन ही कंसिडर करेंगे. यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि द कॉल वॉज नॉट कनेक्टेड टू इंटेंडेड पार्टी. ठीक है, जिससे वो बात करना चाह रहा है उससे उसकी बात नहीं हुई, तो उसको हम लास्ट ऑप्शन कंसीडर करेंगे. हाय, दिस इज विलियम. हाय, दिस इज लोरेन. आई एम कॉलिंग फ्रॉम होम बीएमडब्ल्यू.
I'm good. How are you? I was giving a call. Okay. Oh, you did? अच्छा इसमें ना इस कैटेगरी में अक्सर वन साइडेड कॉल आती है सिर्फ बाज़ औक़ात कस्टमर की आवाज़ आपको आएगी एजेंट की नहीं आएगी या एजेंट की आएगी कस्टमर की नहीं आएगी तो आप ना एक साइड के कन्वर्सेशन से भी आपको आइडिया हो जाता है कि किस हवाले से बात हो रही है अब जैसे इस कॉल में हुआ है So that's where we're located, it's in Fort Lauderdale. देखें यहाँ पे उसने कहा है कि that is the I-4 which you are looking. I-4 गाड़ी का make है, गाड़ी के make एक है Volkswagen I-4, ठीक है? तो ये यहाँ से clear हो रहा है कि first option ये जा रहा है, ठीक है? इसमें कोई confusion वाली बात नहीं है. Hello. Hello, Mr. Matthew. Yeah. Hey, Mr. Matthew, this is Robert from Adam Effective G. I got with my manager on the Grand Cherokee that I sent you a video of. Yeah. Even going to that and you putting $4,500 down, देखें यहाँ पे भी गाड़ी के डाउन पेमेंट गाड़ी के हवाले से डिस्कशन हो रही है कोई प्रीवियस कन्वर्सेशन नहीं हो रही कोई प्रीवियस अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन नहीं हो रही कोई डिसकनेक्शन किसी एजेंट से नहीं हुई ना रॉन्ग नंबर है ना वॉइस मेल पे गया स्ट्रेट अवे हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे I'm looking for Alina. Hi, Alina, this is Angie. I'm calling from Honey of Lincolnwood. How are you doing today? Great. I was just following up to see if you were still in the market for a vehicle. देखें यहाँ पे क्या बात है यहाँ पे भी वन साइड कन्वर्सेशन हुई है हमें कस्टमर की आवाज़ नहीं आ रही लेकिन एजेंट की आवाज़ हमें क्लियर आ रही है ठीक है इसमें एजेंट कॉल करके पूछ रहा है कि इफ़ यू आर स्टिल इन द मार्केट फॉर अ व्हीकल ठीक है उससे गाड़ी के हवाले से पूछ रहा है तो ये क्या है फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट अवे फर्स्ट ऑप्शन है और कोई इसमें ऑप्शन नहीं जाता कोई जनरल कन्वर्सेशन नहीं है कोई फॉलो अप नहीं है उससे पूछ रहा है कि आप क्या मार्केट है में है गाड़ी के लिए यानी आप इस वक्त गाड़ी ढूंढ रहे हैं कोई Hey, I'm calling from Honey of Lincolnwood. How are you doing today? I was calling up to see if you were still in the market for a vehicle. Oh, you already purchased? Okay, great. Congratulations. I'll go ahead and update that information. Thank you. ठीक है ये फर्स्ट ऑप्शन जाता है Hi, is this Anna? ¿Quién habla? You speak Spanish? No. ¿Sí? ¿Quién habla? Okay, I'll have my coworker call to speak Spanish. अच्छा इस कॉल में अब क्या हुआ है इस कॉल में कस्टमर ने कॉल किया उससे पूछा एजेंट से क्या आप स्पेनिश बोलते हैं एजेंट ने उसको कहा नहीं मैं नहीं बोलता ठीक है अब इस कॉल में आपने देखना है कोई सेल्स की बात हुई है नहीं हुई इस कॉल में कोई प्रीवियस कन्वर्सेशन यानी हुई है इसमें ऑब्वियसली जनरल डिस्कशन हुई है जनरल डिस्कशन ही क्या है आम बात है वो कुछ भी हो सकता है ठीक है वो किसी हवाले से भी बात हो सकती है तो इसको हम जनरल डिस्कशन कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें जो है वो एक जनरल बात हुई हुई है और यह है कि किसी जो है गाड़ी के हवाले से इसमें डिस्कशन नहीं हुई ना कोई प्रीवियस अपॉइंटमेंट के हवाले से हुई है Yes, David. Hello, David. This is Mark Dill over at Larry H. Miller Volkswagen Tucson. How are you, sir? Good. And how are you? I'm doing pretty good. Do you have a couple minutes, sir? Sure. Okay, real quick. I just wanted to touch base on you. So, finally got my used car director. He was able to give me some numbers on that SEL R-Line that you drove yesterday, the Arteon. The asking price now is going to be $41,900. देखें यहाँ पे भी एजेंट कस्टमर को कॉल करके गाड़ी के हवाले से डिस्कशन कर रहा है ठीक है इसको भी हम फर्स्ट ऑप्शन में कंसीडर करेंगे David. Hello, David. This is Mark Doe over at Larry H. Miller Volkswagen Tucson. How are you? Thanks for calling. This is Tom. How can I help you? Hi, is Sharon available? Who? Sharon. अच्छा यहाँ पे एक कस्टमर ने कॉल किया है शेरन एजेंट का नाम है उससे वो बात करना चाहता है वो कहता है हमारे पास कोई शेरन अवेलेबल नहीं है ठीक है ये किस में जाएगा देखिए यहाँ पे कॉलर नोट वाज नॉट कनेक्टेड टू द इंटेंडेड पार्टी
जो कस्टमर है वो अपने डिजायर्ड पर्सन जिससे वो बात करना चाहता है उसे कनेक्ट नहीं हो पाया, इस सूरत में ये क्या है, लास्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक, तो ये बेसिकली आज की डेमो कॉल्स थी। होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा इन कॉल्स के नेचर के हवाले से। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको डेमो कॉल्स जल्द से जल्द भेज दूं। आप ये डेमो कॉल जो मैंने वीडियो बनाई है इसको आप देखिएगा, आपको जो चीज़ समझ नहीं आती ग्रुप में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं आपको एक एक चीज़ आंसर कर दूंगा इसमें।